चंद्रयान 3 की सफलता का खुमार पूरे देश पर चढ़ा हुआ है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा से लौटने पर पीएम मोदी भी बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की, उनको चंद्रयान 3 की सफलता की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। इस बीच पाकिस्तान से भारत आकर ग्रेटर नोएडा में रह रही सीमा हैदर ने भी फिर ऐसा बयान दिया है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। सीमा हैदर ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि मेरे वकील एपी सिंह का फोन आया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी बेंगलुरु पहुंचे हैं। मैंने तुरंत टीवी ऑन किया तो देखा पीएम मोदी का भाषण चल रहा था। मैं इस कामयाबी से बेहद प्रभावित हुई हूँ। सीमा हैदर ने ये भी ऐलान किया कि अब से वो हर साल 23 अगस्त को व्रत रखेंगी। वीडियो में उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे भी लगाए। जय श्री राम। मैं सीमा मीना पत्नी सचिन मीना। आज सुबह मेरे वकील डॉक्टर एपी सिंह सर की मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा कि देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने पहुंचे हैं। तो मैंने टीवी ऑन करी और उनका भाषण चल रहा था, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। मैंने ये फैसला लिया है हर साल 23 अगस्त को मैं प्रतिज्ञा किया करूँगी और जो चंद्रयान की सफलता हुई है मैं वर्तती रही थी। मेरे चंद्रमा भगवान और मेरे सारे देवी देवताओं ने मेरी प्रार्थना सुनी और इसलिए मैंने ये भी फैसला किया है कि हर साल 23 अगस्त को मैं वर्ती रहा करूँगी। और जो वहाँ शिव शक्ति और तिरंगा स्थान किया गया है उनको मान के मैं पूजा भी किया करूँगी। और उन्होंने जो महिलाओं की रक्षा और भागीदारी के बारे में कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 की लैंडिंग वाले दिन यानी कि बुधवार को सीमा ने व्रत रखा था। सीमा ने एक वीडियो वायरल कर कहा था कि जब तक सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 चांद की सतह पर नहीं उतर जाता है, तब तक वो पूजा अर्चना करते हुए भूखी प्यासी रहेंगी। बुधवार की शाम जब चंद्रयान चांद की सतह पर उतरा तो सीमा ने अपना व्रत खोला और उसके बाद छत पर पहुंचकर परिवार के लोगों के साथ आतिशबाजी की, जिसका वीडियो भी सीमा ने शेयर किया था। आपको बता दें कि सीमा कई महीने पहले नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से भारत आई, जहां वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा कस्बे में अपनी प्रेमी सचिन के साथ रह रही थी, जिसकी जानकारी जांच एजेंसी और पुलिस को लगी तो उसको गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन 3 दिन बाद उसको जमानत दे दी गई थी। फिलहाल सीमा पर हिंदुस्तानी रंग पूरी तरह से चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार चर्चाओं में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।